तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? ये कोई नई चीज नहीं है तुम्हारे लिए कॉम्पोजिट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। और ऐसे हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में। तो जैसे मान लो एफ ऑफ जी एक्स, ये क्या है? एक कॉम्पोजिट फंक्शन। तो ये वर्क कैसे कर रहा होगा? ये वर्क कैसे कर रहा होगा कि जैसे मान लो कि एक मशीन है, अंदर वाली मशीन कौन सी है? जी वाली। और बाहर वाली मशीन कौन सी है? एफ वाली। ठीक है, अंदर एक मशीन है, उससे कुछ इनपुट आया, उसमें कुछ इनपुट आया, उसने प्रोसेस किया। जी वाली मशीन ने क्या किया? उस इनपुट को प्रोसेस किया। तो अगर जैसे मान लो एक्स नॉट एज एन इनपुट आया, तो आउटपुट क्या आएगा जी वाली मशीन से? हाँ, g of x नॉट। जी ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, जी ऑफ एक्स नॉट जो है वो एक तरीके से एफ के लिए इनपुट का काम कर रहा होगा। तो एफ क्या आउटपुट देगा? f of g of x g नॉट। of x नॉट। f of g of x नॉट। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट, ये एफ हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल से कैसा देखूं? ln ऑफ साइन एक्स, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ln ऑफ साइन एक्स। तो इसमें फ्लो कैसा हो रहा होगा? इसमें फ्लो ऐसा हो रहा होगा कि सबसे पहले कौन सी मशीन लग रही होगी? साइन वाली। और उसके बाद कौन सी मशीन लग रही होगी? एलएम वाले। लॉग वाली, एलएन वाली। तो होता क्या कि वैसे साइन को क्या इनपुट लेने की आदत है? ऑलरेडी सारे इनपुट लेने की आदत है। तो जैसे मान लो साइन ने इनपुट लिया से पाई बाय फोर, मान लो साइन को इनपुट में दिया पाई बाय फोर, तो साइन आउटपुट क्या देता? वन 1/√2। अच्छा, लॉग 1/√2 को एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ, लॉग जो है पॉजिटिव क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लॉग क्या आउटपुट देता? ln 1/√2। ठीक है, इसका मतलब इस ओवरऑल फंक्शन में पाई बाय फोर इनपुट की तरह, पाई बाय फोर जो है ये ओवरऑल फंक्शन का एक इनपुट है, और इस ओवरऑल फंक्शन का वन ऑफ द आउटपुट इज ln 1/√2। अच्छा, जैसे मान लो कोई बंदा जो है 3π/2 एज एन इनपुट देता, साइन आउटपुट क्या देता? -1 माइनस। अच्छा, लॉग -1 को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, नहीं कर सकता। तो लॉग वापस भेज देता, -1 तुम वापस चले जाओ। तो फिर साइन क्या करता? साइन भी 3π/2 को वापस भेज देता कि तुम भी वापस चले जाओ। इसका मतलब 3π/2 डोमेन का पार्ट होता नहीं, इस ओवरऑल फंक्शन के डोमेन का पार्ट 3π/2 नहीं होता। सर, लेकिन अगर 3π/2 डालने पे अगर वो पूछता कि क्या आउटपुट आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड लगेंगे ना? हाँ, तो देखो डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है द सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच वी गेट मीनिंगफुल आउटपुट। ठीक है, तो 3π/2 इनपुट डालने पे क्या कोई मीनिंगफुल आउटपुट आया? क्या नहीं आया? इसका मतलब 3π/2 डोमेन का पार्ट नहीं होगा। डोमेन वही वैल्यू ऑफ एक्स होती है जिसके कारण कुछ फाइनल आउटपुट आ रहा हो तुम्हारा, एक मीनिंगफुल आउटपुट। समझे? क्लियर है? इधर इधर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इधर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको मैं इनपुट डेटा, तो जिसके कारण एंड में कोई ना कोई आउटपुट आ रहा होता, तो उन सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, और यहां जो है
जो कलेक्शन ऑफ आउटपुट होता, जो एकदम एंड में आ रहा होता, उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन का रेंज। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो अब जैसे मैं एक बार एफ ऑफ जी एक्स के बारे में अगर बात करूं, या से कोई एग्जांपल लेके बात करूं, साइन इनवर्स एल एन एक्स, किसकी बात करूं मैं, साइन इनवर्स एल एन एक्स की बात करूं, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। जैसे मान लो इसको एच एक्स मान लिया, तो इसका फ्लो कैसा हो रहा होगा, एल एन वाला पहले आ रहा होगा और बाद में कौन आ रहा होगा, हमारा साइन इनवर्स आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एल एन बाय द वे क्या क्या आउटपुट देता है, सॉरी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सॉरी 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 सॉरी, इनपुट इनपुट की बात कर रहे हैं। एल एन बाय द वे क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, जीरो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, हाँ, 0 से इनफिनिटी तक इनपुट ले सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या सारे इनपुट के लिए, जैसे मान लो अगर मैं इनपुट जो है वो 0+ दे रहा होता एल एन को, 0.01, तो लॉग क्या आउटपुट देता, माइनस माइनस इनफिनिटी, इनफिनिटी टाइप। अच्छा, लॉग माइनस इनफिनिटी टाइप आउटपुट देता, तो साइन इनवर्स उसको एक्सेप्ट करता क्या, नहीं नहीं, नहीं साइन इनवर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब 0+ डोमेन का पार्ट होता नहीं नहीं होता। ओके, अच्छा, वैसे बाय द वे इसके डोमेन का पार्ट क्या होता, उसको करने के लिए हम लोग ने जब डोमेन पढ़ा था तब निकालना सीखा था -1/1 कि एल एन एक्स साइन वन साइन बाई इनवर्स क्या सी कहेगा, होगा। हाँ साइन इनवर्स क्या कहेगा कि लॉग एक्स शुड बी बिटवीन -1 से 1, सो एक्स शुड बी बिटवीन 1/e से 1। 1/e से e, मतलब तुम ये समझो कि जो ये डोमेन आता पूरा के पूरा इंटरवल आ रहा होता, और वो इंटरवल क्या हो रहा होता, 1/e से e तक हो रहा होता, ठीक है। ओके, अच्छा, उन्हीं उन्हीं के कारण साइन इनवर्स आउटपुट दे सकता है। तो अब तुम ये बताओ कि साइन इनवर्स मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से कहाँ तक दे सकता है, -π/2 से π/2। -π/2 से +π/2। तो देखो, जब तुम एक्स की वैल्यू 1/e डालते तो साइन इनवर्स को एज एन इनपुट क्या मिल रहा होता, -1, और वो आउटपुट क्या दे रहा होता, -π/2, -π/2। ठीक है, अगर तुम e डालते तो साइन इनवर्स को इनपुट क्या मिल रहा होता, 1, और वो आउटपुट क्या दे रहा होता, +π/2। तो ऐसे ही आउटपुट सारे होते। तो जैसे इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं, तो इस फंक्शन का डोमेन बताओ क्या होता हमारा, 1/e से 2e, और इस फंक्शन का रेंज हमारा क्या होता, -π/2 से -π/2 to π/2। -π/2 to +π/2, सर एक्सेप्ट 0। 0 भी तो हो सकता है ना बेटा। जैसे मान लो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता, एक्स की अच्छा हाँ वैल्यू हाँ 1 वो पुट हाँ हाँ करता, सर तो लॉग 1 जो है वो 0 होता है। हाँ समझ गया। हाँ अच्छा, वैसे अगर केवल लॉग एक्स के डोमेन के बारे में पूछते, अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के बारे में, भूल जाओ कि साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका डोमेन क्या होता, 0 to ∞। 0 से इन्फिनिटी, और ये जो डोमेन आया वो 1/e से e आया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि एल एन एक्स, मतलब जो हमारा ओवरऑल डोमेन है, फाइनल डोमेन, वो अंदर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट है। तो जैसे मान लो अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता
ठीक है, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, मतलब उसके बाहर तो निकल ही नहीं सकता है। इस ओवरऑल फंक्शन का जो डोमेन होता एफ ऑफ जी एक्स का, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स, और इस ओवरऑल फंक्शन का जो रेंज होता वो क्या होता, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ वाला फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, ये बात बताओ कितने लोग अग्री करेंगे कि इस चीज को विजुअलाइज कर पाए तुम लोग, कि एफ ऑफ जी एक्स का जो डोमेन है वो जी एक्स के डोमेन के या तो बराबर हो सकता है या उसका सबसेट हो सकता है, और एफ ऑफ जी एक्स का जो रेंज है वो एफ एक्स के रेंज के बराबर हो सकता है या सबसेट हो सकता है। यस प्लीज कमेंट एवरीवन। यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो वो क्या रहा है, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो इसकी बात कर रहे थे हम लोग साइन ऑफ एल एन एक्स की बात कर रहे थे ना, तो मैं लॉजिकली सोचूं तो भाई लॉग जितनी उसकी कैपेसिटी है इनपुट लेने की उससे बाहर तो नहीं जा सकता ना। अब लॉग ऐसा थोड़ा है कि साइन के हिसाब से चलेगा कि साइन को जो जो इनपुट चाहिए वो लॉग लाके देगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। लॉग क्या करेगा, लॉग जो जो इनपुट ले सकता है उसका आउटपुट देगा किसको, साइन को फॉर इनपुट। अच्छा वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एज एन इनपुट उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, सॉरी वो साइन इनवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एज एन इनपुट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो लॉग क्या ये वाला फंक्शन कभी नेगेटिव इनपुट ले सकता था क्या, यहीं पे ढेर हो जाता है तो पहले ही स्टेप पे ढेर हो जाता। अच्छा अगर हम लोग साइन इनवर्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को तुम क्या भी इनपुट दे दो उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो रेंज नहीं दे पाएगा, आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स आउटपुट कहां से कहां तक देता, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो साइन इनवर्स एल एन एक्स माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर अपने पास कोई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डोमेन ऑफ एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डोमेन ऑफ एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यस तरुण, गुड। हाँ शोना सही है, बढ़िया देसारियन सोहम, ये मोर देन वन ऑप्शन वाला करेक्ट वाला क्वेश्चन। यस अनिश, हाँ प्रतीक्षा, हाँ संजय, पार्थ करेक्ट, सोहम ऑल्सो करेक्ट, चलो सबका सही है, वेरी गुड। सो वो क्या रहा है कि देखो हाफ, जैसे माइनस हाफ से हाफ है, डोमेन क्या होता है, हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, डोमेन हमेशा एक्स की वैल्यू होती है। एक्स की क्या वैल्यू, एकदम ओवरऑल एक्स की वैल्यू, तो क्या x की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ हो सकती है, साइन इनवर्स के माइनस हाफ से हाफ के सारे एलिमेंट्स को ले सकता है, हाँ ले सकता है।
अच्छा हम लोग को कैन नॉट पूछा गया। अच्छा हाफ से 3/2 के सारे एलिमेंट्स को ले सकता है क्या? नहीं, नहीं। वन के जो बियॉन्ड जा रहा है उसको तो आप नहीं ले सकते, तो कैन नॉट में ये आ जाएगा। जीरो से वन में आपने इनफिनिटी पे साइन डाला है वो, ओ सॉरी, सी पे जीरो से वन, हाँ जीरो से वन सारे के सारे ले सकता है, सॉरी उसको टिक नहीं करेंगे हम लोग को, तो कैन नॉट वाले को टिक करना है ना। डी पे माइनस इनफिनिटी से जीरो, तो माइनस इन मतलब माइनस वन के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता, इसलिए इसको टिक कर देंगे हम लोग। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? यस सर। अच्छा वैसे एक टॉपिक आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो ये वाला जो टॉपिक है वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं डोमेन वाले टॉपिक और रेंज वाले टॉपिक में। जैसे मैंने नहीं सिखाया था साइन ऑफ एल एन एक्स का डोमेन निकालो या साइन ऑफ एल एन एक्स का रेंज निकालो, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हो ही चुका है, डोमेन और रेंज तो हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली देखा है। जैसे एक क्वेश्चन जैसे मान लो है, क्वेश्चन ये है कि से ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर और ये है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर बीटा फाइव, ठीक है? एफ कैसा फंक्शन है? ये जो है ये एफ को बता रहा है, एफ ये एफ वाले फंक्शन को बता रहा है। अच्छा, नहीं हम लोग अभी वन वन की बात नहीं कर रहे, वन वन वगैरह तो टॉपिक खत्म हो गया। हाँ वन वन ऑन टू वगैरह टॉपिक जो है वो हमारे खत्म हो गए। दिस इज बीटा फोर, बीटा दिस इज बीटा फोर, गामा वन गामा टू गामा थ्री गामा फोर, ठीक है? ऐसे मतलब रिलेट हो रहा है, ये एफ वाला रिलेट हो रहा है और ये जी वाला ऐसे रिलेट हो रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, ये गिवन है, ये चीज गिवन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, पहला है जी ऑफ एफ एक्स और दूसरा है एफ ऑफ जी एक्स। चलो करो जल्दी से।
ओके तो ठीक है, आंसर आ रहा है आप लोग को, सही आ रहा है। ओके सो अगर हम लोग पहला पार्ट करने जाए तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब पहले जो है एफ में इनपुट जा रहा होगा, और क्या कहते हैं, फिर एफ का जो आउटपुट है वो जी में जा रहा होगा, जी ऑफ एफ एक्स में। ठीक है, सो देखो एफ में क्या क्या इनपुट जा सकता था। पहले एफ में अल्फा वन जाता तो मैं देखता कि अल्फा वन बीटा वन देता, और बीटा वन जी में मौजूद है और उसका आउटपुट क्या आता, गामा वन। तो मतलब डोमेन जो है उसमें जैसे अल्फा वन आता और इधर इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो क्या आता, आपका गामा वन। ठीक है, अब अल्फा टू की बात करें, अगर हम लोग अल्फा टू के लिए बीटा टू आता और बीटा टू के लिए गामा थ्री आ जाता, तो अल्फा टू एंड गामा थ्री। फिर अगर मैं अल्फा थ्री की बात करूं, अल्फा थ्री के लिए बीटा फोर है, और बीटा फोर जी को अगर मिले तो आउटपुट क्या आएगा, गामा फोर। तो मतलब अल्फा थ्री भी इनपुट और गामा फोर एज एन आउटपुट हो गया हमारा। अच्छा अगर मैं अल्फा फोर की बात करूं तो अल्फा फोर जो है वो बीटा फाइव उसका आउटपुट आता, लेकिन जी के लिए तो कुछ ऐसा दिया नहीं कि जी बीटा फाइव ले सकता है, तो मतलब क्या होता कि अल्फा फोर को वापस भेज दिया होता पूरा फंक्शन। तो ये हमारा पहले पार्ट का डोमेन और रेंज आ गया, और सेकंड पार्ट का सबका सही आ रहा है, क्या है, नल सेट। सर नल सेट होगा दोनों के लिए। हाँ सेकंड पार्ट के लिए नल सेट, क्योंकि क्योंकि जैसे मान लो जी को पहले इनपुट मिल रहा होता बीटा वन देता तो उसका गामा वन होता। अच्छा गामा वन इधर अगर हम लोग खोजने जाते तो कहीं भी नहीं है एफ के इनपुट के लिए, तो ना बीटा वन ले पाता, ना बीटा टू ले पाता, ना बीटा फोर ले पाता। तो डोमेन अगर कुछ हुआ ही नहीं, इनपुट कुछ मिला ही नहीं, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा। तो रेंज क्या हो जाता हमारा, अनल से। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने क्वेश्चन चेंज किया क्या? हाँ नहीं, सेम है क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। हाँ सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे लिए। अब जैसे ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मतलब बस फॉर द सेक ऑफ एफ एक्स अगर साइन एक्स है और जी एक्स अगर ई रेस टू एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब है कि जैसे एफ एक्स साइन एक्स है, एफ के अंदर जो चीज लिखी है वो चीज यहां पे होनी चाहिए थी, तो साइन ऑफ जी एक्स होनी चाहिए थी, और जी एक्स इटसेल्फ इज e रेस टू एक्स, तो साइन ऑफ e रेस टू एक्स। ठीक है, अच्छा जी ऑफ एफ एक्स, अब जी ऑफ एफ एक्स की अगर बात करेंगे तो एक तरीके से जो चीज यहाँ पे लिखी है सेम चीज यहाँ पे लिखी है, तो e रेस टू एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स ये हो गए। तो इन जनरल एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। एफ ऑफ जी एक्स को फॉग भी कहा जाता है और जी ऑफ एफ एक्स को गॉफ भी कहा जाता है।
ठीक है, तो मतलब ये मेरे ख्याल से तुम लोग को ये बातें पता होंगी, सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली अकरिंग होता है, तो उसके लिए आप टॉपिक लिखते हैं, तब उसको एज ए टॉपिक पढ़ लेते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिवाइडेड into intervals। कहने का क्या मतलब अभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, fx is equal to x square minus 1 if x is less than 0 and 4 minus x if x is greater than equal to 0। ठीक है, और gx क्या है, gx अपना कुछ ऐसा है, gx is x plus 1 if x is less than 0 and 2 minus x if x is greater than equal to 0। सर अगर इंटरवल डिफरेंट होते हैं तो फिर क्या करते हैं? उसमें भी मैं बताता हूँ, उसमें बताऊंगा। चलो, तो अब हम लोग को जैसे इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट f of gx, ठीक है, f of gx, तो f of gx भी ना कोई एक ऐसे टाइप का फंक्शन ही आएगा, ऐसे ब्रेक किया हुआ कुछ फंक्शन आएगा, तो क्या आएगा वो हम लोग को फाइंड करना। ठीक है, तो इसमें स्टेप क्या होता है, सबसे पहले वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनर फंक्शन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इनर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां पे इनर फंक्शन क्या है, जी एक्स है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, इतनी बात तुमको समझ में आई? यस सर। अभी इंटरवल किसी ने पूछा था ना कि इंटरवल अलग अलग होता है तो क्या करेंगे, तो अभी तुमको इसमें तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अभी इसका जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि इंटरवल डिफरेंट होगा तो व्हाट वी विल डू। सो अब जैसे हम लोग को किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अंदर वाले फंक्शन का, जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब जी एक्स हमारा क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इधर जी एक्स इज एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, शायद कुछ ऐसा ग्राफ होता है क्या, एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये वाला पॉइंट क्या होता बताओ बच्चों, माइनस and 2 minus x if x is greater than equal to 0 and 2 minus x if x is greater than equal to 0। तो ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये gx का ग्राफ है, ये x plus 1 लिखा है और ये क्या है, 2 minus x है। यहाँ पे gx is equal to x plus 1 है और यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। इतनी बातें समझ में आई तुम लोग को, इतना क्लियर है? पहले सबसे पहले ये बताओ। यस सर। ओके,
अब हमको बाय द वे फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है। तो पहले एफ एक्स एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड फोर माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो अब जैसे ये टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट में बहुत कम चांसेस हैं कि आएंगे, क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे मान लो ये तुम्हारे एडवांस में क्वेश्चंस आ सकते हैं या इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है, लेकिन प्रोसीजर पता होना चाहिए। अगर प्रोसीजर पता हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग को तो बाय द वे फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना था एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब है कि जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग क्या सब्सिट्यूट करेंगे, जी एक्स। सो अब थोड़े छोटे अक्षरों में लिखूंगा क्योंकि स्पेस सेव करना थोड़ा। इफ जी एक्स इज लेस देन जीरो एंड फोर माइनस जी एक्स इफ जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज आए वो भी कोई एक एक्स का एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ पे भी कोई चीज आए वो भी एक एक्स का एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ पे भी कोई चीज आए वो एक्स लेस देन समथिंग और यहाँ पे जो चीज आए वो एक्स ग्रेटर देन समथिंग, वैसे टाइप का कुछ आ जाए। So, अब सबसे पहली बात कि जी एक्स लेस देन जीरो, जी एक्स लेस देन जीरो का क्या मतलब होता होगा, जी एक्स का ग्राफ माइनस वन से छोटा या एक्स 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 के नीचे। हाँ वेरी गुड, जी एक्स लेस देन जीरो मतलब जी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। तो उसके करस्पॉन्डिंग बताओ बच्चों एक्स क्या हो रहा होगा, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन एंड टू, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इनफिनिटी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इनफिनिटी। अच्छा एक और बात कि जैसे जब ये वाला एक्स यूज कर रहा था तब उस समय जो जी एक्स का एक्सप्रेशन था वो क्या था, ये वाला था, और जब ये वाला यूज कर रहा था उस समय जी एक्स क्या था, टू माइनस एक्स था, ये वाला था। विल यू ऑल अग्री बच्चों? यस यस सर। ओके नाउ द सेम थिंग वी विल बी डूइंग फॉर सेकेंड वन। जैसे जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से टू। अलग अलग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि हर एक इंटरवल में जी एक्स का डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे जी एक्स का डेफिनेशन क्या था हमारा, एक्स प्लस वन था, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जी एक्स का डेफिनेशन क्या था, टू माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी को हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा फैला के लिखना होगा। तो देखो हमारे पास कितने इंटरवल बने, हमारे पास अगर देखा जाए तो चार इंटरवल बन गए, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। ठीक है, तो मैं अगर ऑर्डर में लिखना चाहूं तो पहले क्या लिखता, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन। अच्छा उसके सामने जी एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता, जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन होता एफ ऑफ जी एक्स। फिर सेकंड में मैं क्या लिखता, माइनस वन से जीरो, उस समय जी एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता, सॉरी एफ ऑफ जी एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता, फोर माइनस जी एक्स। अच्छा
फिर उसके बाद तीसरा नंबर 0 से 2, तो 0 से 2 में हमारा एफ ऑफ जी एक्स क्या होता, 4 माइनस dx। फिर उसके बाद 2 से इंफिनिटी, तो यहां पे ओपन से इंफिनिटी, उस समय क्या होता, जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, क्या हम लोग को हर एक इंटरवल में जी एक्स का कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है वो पता है क्या? तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में जी एक्स को हम लोग को यूज करना है एक्स प्लस 1। जी एक्स को हम लोग को क्या यूज करना है, एक्स प्लस 1। माइनस 1 से 0 में जी एक्स को क्या यूज करना है, एक्स प्लस 1। फिर 0 से 2 में जी एक्स को क्या यूज करना है, 2 माइनस एक्स। और फिर 2 से इंफिनिटी में जी एक्स को क्या यूज करना है, 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मैं इधर इसके सामने लिख दे रहा हूं कि सब सिंप्लीफाई होके क्या जाता। जैसे यहाँ पे जी एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाता, 4 माइनस जी एक्स। 4 माइनस जी एक्स मतलब क्या बनेगा, 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स, 4 माइनस जी एक्स, और जी एक्स जगह 2 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 2। और फिर जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, सर एक्स प्लस 2 होगा ना, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर मैं फाइनल टच देना चाहता एफ ऑफ जी एक्स को, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनल टच देने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, 3 माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0, एक्स प्लस 2 इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। हम अब इसके ऊपर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन कैसा बना सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले एक बार तुम लोग बच्चों ये शुरू से देख लो। स्टेप पहला स्टेप क्या होता है कि जो अंदर वाला फंक्शन है जी एक्स है, जैसे हम लोग को जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन था उसमें जहां जहां एक्स था वहां वहां जी एक्स पुट कर देना चाहिए। उसके बाद इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे हम लोग को क्या करना चाहिए कि x का कौन सा इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कैसे देखेंगे, gx के ग्राफ के हेल्प से, ग्राफ ऑफ gx के हेल्प से। ठीक है, तो हर x का इंटरवल लिख लिया और हर इंटरवल के करेस्पॉन्डिंग gx का एक्सप्रेशन कौन सा होता वो हम लोग लिख लेते हैं। फिर उसको उसके बाद क्या करते, उसकी नंबरिंग कर दी होते इंटरवल की, एक्स के इंटरवल की नंबरिंग कर दी होते ताकि किसको सबसे पहले लिखना है, फिर किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ पे लिखना है, वो नंबरिंग के हिसाब से लिख लेते हैं। और हर इंटरवल में एफ ऑफ जी एक्स का कौन सा एक्सप्रेशन बन रहा है वो बारी बारी लिख रहे होते।
और हर इंटरवल में जी एक्स की खुद की एक्सप्रेशन कौन सी है वो हम लोग को पता है ही, फिर उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए होते। ठीक है तो बच्चों बताओ ये चीज तुम लोग को समझ में आई क्या, एक बार क्विकली कमेंट करो, इज दिस पॉइंट क्लियर? थोड़ा सा लेंदी है, ऑब्वियसली इट इज वेरी लेंदी, बट ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा अब जैसे इसके ऊपर क्या कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, जैसे मान लो कि अगर मेरे से कोई कहे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इस पूरे का एफ ऑफ जी एक्स का? यस सर। यस, पार्ट वाइज ड्रॉ करते जाएंगे, चलो हिम्मत दिखा के ड्रॉ करते हैं। सो देखो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे ब्रेक होना है ग्राफ को, माइनस वन पे ब्रेक होना है, जीरो पे ब्रेक होना है और टू पे ब्रेक होना है। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, तो वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, माइनस टू पे आता और फिर जीरो पे उसके रूट्स होते, समझे? सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ये वाली चीज क्या होती बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में अगर मैं माइनस वन पुट कर देता तो ये वाली चीज माइनस वन हो जाती। अब थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स मतलब एक माइनस वन स्लोप वाली लाइन होती, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करता तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता, फोर से स्टार्ट करता, और जब x की वैल्यू जीरो पुट करता तो मैं कहाँ पे एंड करता, थ्री पे एंड करता। तो ऐसे ये थ्री और ये फोर, ये ग्राफ हुआ, ठीक है। उसके बाद x प्लस टू, तो x प्लस टू जो है जैसे जीरो पे टू बनता, मतलब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे बनता, और टू पे क्या बन जाता हम लोग का, फोर बन जाता, समझ में आ रहा है सबको? Yes. फिर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वैसे क्या होता है, वन और थ्री पे ऐसा होता है, मतलब टू पे जो है वो अपना क्या कहते हैं वर्टेक्स दे रहा होता है, मिनिमम है ना, वर्टेक्स दे रहा होता है। तो टू पे कितनी वैल्यू होती है वो पुट करके देख लेते हैं, एक्स वैल्यू टू पे, फोर माइनस एट प्लस थ्री कितना होता है, माइनस वन, ये माइनस वन इस लाइन पे आ गया, और फिर यहां से फिर ये बंदा ऐसे चला जाता है और यहाँ पे थ्री हो जाता, फिर ये ऐसे जा रहा होता और ये कुछ ऐसे जा रहा होता, ठीक है? इतनी बात समझी तुम लोगों ने? यस सर। ओके सो ये एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ है। अब जैसे मतलब कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि f of gx is equal to k, यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है, f of gx is equal to k, यहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है, then find
values of k for which above equation has पहला पार्ट है नो सोल्यूशन. पहला पार्ट क्या है? नो सोल्यूशन. तो ग्राफ को देख के बताओ कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे नो सोल्यूशन आ जाए. माइनस वन का माइनस इनफिनिटी का माइनस वन. माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन. माइनस इनफिनिटी टू. अच्छा अच्छा माइनस इनफिनिटी माइनस वन. माइनस वन पे कौन सा ब्रैकेट लगना चाहिए सर? क्लोज्ड. नॉन इंक्लूसिव. ओपन. ओपन नहीं सर. क्लोज्ड लगेगा. क्लोज्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है क्या हमारे को सर? बट ऊपर तो हमारे पास पॉइंट है ना सर. हाँ ऊपर तो हमारे पास पॉइंट है ना. ऊपर तो हमारे पास पॉइंट इधर पॉइंट है ना बेटा. अगर मैं माइनस वन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता तो वो ग्राफ को कट कर रहा होता. अच्छा हाँ सर मैं इसके रेंज बात कर रहा हूँ. तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ऐसे ऐसे ऐसे. समझ में आ रहा है ना सबको? तो के बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस वन. अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को इंटीजर टाइप में देना होता, अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को इंटीजर टाइप में देना होता तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को इंटीजर टाइप में देता? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द अबव इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. फॉर व्हिच द अबव इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. समझ में आई बात? Yes, students, is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Achha, one solution ke liye, kya hona chahiye? Dekho zara, graph se. और वन सॉल्यूशन के सर फाइव. नो पॉसिबल. यस अ नल सेट. क्योंकि तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो वो कभी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ग्राफ को बस एक ही बार कट कर रहा हो. सो के बिलोंग्स टू अ नल सेट. अच्छा टू सॉल्यूशंस के लिए सर माइनस वन नॉन इंक्लूसिव टू जीरो यूनियन वो कौन सा पॉइंट है? फोर है ना? फोर टू इनफिनिटी. सर माइनस वन से माइनस वन टू टू यूनियन फोर से इनफिनिटी रहेगा. माइनस वन से टू तक जाएंगे ना सर? दो सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना. हाँ तो जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता तुम्हारा तो वहां से अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तब भी तो क्या होता? ग्राफ को दो ही बार कट कर रहा होता. सो आई एम गोइंग टू राइट के बिलोंग्स टू माइनस वन से टू. और टू पे हम लोग को कौन सा ब्रैकेट लगाना चाहिए बताओ? विच ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट यूनियन फोर से इंफिनिटी. सही लिखा है. अच्छा फोर पे कौन सा ब्रैकेट? ओपन. ओपन ओपन ब्रैकेट. अच्छा व्हाट अबाउट थ्री सॉल्यूशंस टू टू फोर. टू से फोर. टू टू थ्री सर. टू टू थ्री सर. टू टू थ्री. टू टू थ्री. यस 2 टू 3. और 3 पे कौन सा ब्रैकेट होना चाहिए बताओ? क्लोज्ड. इंक्लूसिव. हाँ इंक्लूसिव. यस 3 पे इंक्लूसिव ब्रैकेट. सो 3 सॉल्यूशन के लिए ए बिलोंग्स टू और 2 पे भी क्लोज्ड. 3 पे भी क्लोज्ड.
अच्छा फोर सॉल्यूशंस, थ्री टू फोर। अच्छा थ्री पे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और फोर पे क्लोज्ड। हाँ थ्री पे ओपन और फोर पे क्लोज। ठीक है। अच्छा ये तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो गई। अच्छा इस फंक्शन का अगर हम लोग से रेंज पूछा जाए, मतलब इस फंक्शन का अगर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? नॉट डिफाइंड होगी मिनिमम। नॉट डिफाइंड, हाँ से नीचे राउंड वैल्यू वो टेंडिंग टू होगी। क्या पूछा तुमने? Why are we including? सर वो तीन solutions वाले में हम three को क्यों include कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब तुम k की value exactly three लेती, मतलब यहाँ से तुम horizontal line draw करती three से तुम, तो वो यहाँ पे तो graph को meet नहीं कर रहा होता क्योंकि hollow circle है। एक यहाँ पे मीट कर गया होता, एक यहाँ पे मीट कर गया होता, और एक यहाँ पे मीट कर गया होता। तो थ्री डी हमारे तीन सॉल्यूशन वाला ही है, के की वैल्यू थ्री। हाँ समझ में आया? यस सर, थैंक यू। ओके मिनिमम वैल्यू, व्हाट अबाउट द मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स? मिनिमम वैल्यू क्या लग रहा है? नॉट डिफाइंड। हाँ मतलब ऐसे लगता कि माइनस वन है, लेकिन फिर मैं पूछता कि क्या माइनस वन हमने अटेन किया क्या? नहीं सर, टेंडिंग टू माइनस वन नहीं किया हम लोगों ने, माइनस वन को अटेन नहीं किया, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती? नॉट डिफाइंड। नॉट डिस्कस, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, माइनस वन अचीव नहीं किया हम लोगों ने, माइनस वन वी डिड नॉट अचीव। ठीक है। अच्छा और क्या क्वेश्चन मैं बना सकता था इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है ये फंक्शन? ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है? देखो ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है? थ्री। एक तो x इज इक्वल टू माइनस वन पे डिसकंटीन्यूअस है, एक तो x इज इक्वल टू जीरो पे डिसकंटीन्यूअस है, और एक तो x इज इक्वल टू टू पे। कैसे पता चला? जैसे मैं ग्राफ के अलोंग जाता गया, अब पहली बार एक बार मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ी, फिर यहाँ पे अब दूसरी बार पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, फिर यहाँ पे अब तीसरी बार पेन उठाने की जरूरत पड़ गई। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज थ्री। कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा? तीन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी देखो खुशी, कॉन्केविटी के बारे में वैसे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग जैसे ये कह सकते हैं, जैसे इस ग्राफ को देख के क्वाड्रेटिक की कॉन्केविटी सबको पता ही होती है, जैसे ये कॉन्केव अपवर्ड है। अच्छा स्ट्रेट लाइंस जो होता है वो उसकी कोई कॉन्केविटी नहीं होती, और ये भी जो है ये कॉन्केव अपवर्ड है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि माइनस वन से छोटे के लिए कॉन्केव अपवर्ड, टू से फॉर एक्स ग्रेटर देन टू कॉन्केव अपवर्ड, और माइनस वन से टू के लिए सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन तो नो कॉन्केविटी। और जैसे ये पूछ सकते हैं कि ये वन वन है कि मैनी वन फंक्शन है, तो देखने में क्या पता चल रहा? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? मैनी वन। दिस इज मैनी वन फंक्शन।
दिस इज व्हाट, दिस इज मेनी वन फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है मेनी वन फंक्शन. अच्छा, जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी एफ ऑफ जी एक्स है, ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ जी एक्स का, तो एफ ऑफ जी एक्स भी तो एक फंक्शन ही है ना, और उस फंक्शन का कोई कोई रूट आता है. तो से इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द रूट्स, तो इसके रूट्स के बारे में बता सकते हो क्या? -2, 3 -2, 0 और 3, 0. हाँ देखो, एक बार तो यहाँ पे कट करता माइनस टू पे, और एक बार थ्री पे यहाँ पे कट कर रहा होता. तो इसके जो है दो रूट्स होते हैं. दिस फंक्शन विल हैव टू रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स विल बी व्हाट, टू. ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, -2 and 3 कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, तो समझ में आया? Yes, sir. Okay. अब तुम लोग का क्या क्या काम है, तुम लोग का काम है किसी क्वेश्चन का जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना. मैंने क्या फाइंड किया, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तुम लोग को क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना. चलो करो इसको. तो करके उसका जो आंसर है वो मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजो.
सर भेजा आपको। This Anish character. Sir, graph भी बनाना? हाँ, graph नहीं, कल answer भेजो graph पर, तुम अपने पास देखो। समय कुछ wrong लग रहा है, ऊपर देखो फिर से। तरुण सही है। अर्जुन, अर्जुन तुम्हारा जो 1 - x² है वो 3 - x² आना चाहिए, एक बार चेक करो। सर भेजा आपको। ठीक है, अच्छा करेक्ट है, का भी करेक्ट है, चैतल का भी करेक्ट है, गुड। अब सही है आगे। ओके सो करते हैं, करना शुरू करते हैं। मीनवाइल जिसके नहीं हुए वो लोग करते जाओ। तो उसके लिए पहले मेरे को जीएक्स और एफएक्स लिखना पड़ेगा भाई। तो अपना जीएक्स क्या था, अपना जीएक्स था x+1 इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड 2 - x If x is greater than equal to 0, और fx था हमारा x²-1 if x is less than 0 and 4 - x if x is greater than equal to 0। तो g of fx का बनाना है, मतलब fx का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि fx अंदर है हमारे। तो क्या कह सकते हम लोग, x²-1 कुछ ऐसे टाइप का होता, यहाँ पे माइनस वन होता, यहाँ पे हॉलो सर्कल होता, यहाँ पे माइनस वन होता, और 4 - x कुछ स्ट्रेट लाइन इस टाइप की होती, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे सॉलिड सर्कल होता। ये 4 - x है और ये क्या है हमारा x²-1। ठीक है भाई, तो अपना g of fx अगर पहले मैं लिखता तो जहां जहां x था वहां वहां I will substitute what fx। तो कर्ली ब्रैकेट fx+1 2 - fx इधर जो है fx < 0 और इधर जो है क्या है fx > 0। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ हमारा किसका है, ये वाला ग्राफ है हमारा fx का। तो fx < 0 कब कब हो रहा है वो देख लेते हैं। fx < 0 जो है x < -1 से 0 हो रहा है, यूनियन 4 से इंफिनिटी हो रहा है। अच्छा, -1 से 0 के बीच में
एफ एक्स का क्या एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका एक्सप्रेशन क्या है, फोर माइनस एक्स एफ एक्स का। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये ऊपर वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से फोर। अच्छा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में एफ एक्स का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन और इधर जो है फोर माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में लिखना चाहिए, g ऑफ एफ एक्स विल बी पहली नंबरिंग इसको दे दी, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, फिर x बिलोंग्स टू, अच्छा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में टू माइनस एफ एक्स, फिर x बिलोंगिंग टू माइनस वन से जीरो में एफ एक्स प्लस वन, फिर x बिलोंगिंग टू जीरो से फोर में टू माइनस एफ एक्स, एंड x बिलोंगिंग टू फोर से इंफिनिटी में एफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन में एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट कर देना, फिर उसके बाद माइनस वन से जीरो में एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर बाकी जो दो जगह जो है वो फोर माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स, इधर 4 माइनस एक्स और इधर भी आपका 4 माइनस एक्स, इधर मैं क्या लिखता 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते, इधर क्या लिखते एक्स स्क्वायर, इधर क्या लिखते एक्स माइनस 2 आई थिंक, और इधर क्या लिखते 5 माइनस एक्स। समझ में आ गया? जी सर। चलो अब इसको देख के तुम ग्राफ वगैरह बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जी सर। तो इसका बस रेंज फाइंड करके बताओ, बाकी सारी कहानी नहीं करेंगे, बस इसका तुमको क्या करना है, रेंज फाइंड करके बताना। माइनस इनफिनिटी टू टू। यस यस सर भैया। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने तो आता ही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, माइनस वन है, जीरो है, फोर है, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताओ थ्री माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता और ये वन पे जाके टू बन जाता, माइनस वन पे जाके, फिर माइनस वन से जीरो के बीच में एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे टाइप का, फिर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, ठीक है, और यहाँ पे भी टू हो जाता है, फिर इसके बाद फाइव माइनस एक्स, फाइव एक्स वैल्यू फोर पुट करते तो यहाँ पे वन आता है, फाइव माइनस एक्स ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ये नीचे चली जा रही होती चली जा रही होती। तो इस ग्राफ का अगर तुम रेंज देखना चाहो तो
वाई एक्सिस पे सारी वैल्यूज अटेन हो रही है माइनस इंफिनिटी से टू तक, इसका रेंज क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई तुम सबको स्टूडेंट्स। अच्छा इससे रिलेटेड और अब मैं बहुत क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ अगर मेरे को ग्राफ पता चल गया तो, या पूरा के पूरा फंक्शन पता चल गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। ओके अच्छा अगर मेरे से कोई पूछता बताओ g ऑफ जी एक्स क्या होता, अगर अपने से कोई पूछता कि g ऑफ जी एक्स क्या होता तो क्या ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं, अब g ऑफ जी एक्स निकालना होता ये सर निकाल तो सकते हैं, वैसे ही निकालेंगे जैसे नॉर्मल तरीके से निकाले थे वैसे ही निकालेंगे कि g x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और g के अंदर ही यूज कर लेंगे उसी को। ठीक है जी एक्स का ग्राफ वी विल ड्रॉ एंड वी विल यूज इट इनसाइड जी ओन। ओके चलो सो थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर। तो ये वाला टॉपिक खत्म हुआ कि वो जो इंटरवल में ब्रेक करने वाला कॉम्पोजिट फंक्शन होता था, अब थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है कि एफ एक्स जो है दैट इज 2x+3, एफ एक्स क्या है 2x+3 है, जी एक्स जो है वो है x²+7। ठीक है अब बोला गया है कि f ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स जो है वो 25 है, ये जी आई एस है, देन फाइंड x, x क्या होगा। यस तरुण सुलिखा बढ़िया। सो अब देखो एफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 25 है, इसका क्या मतलब होता है एफ एक्स ये तो 2 times इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 25, ये 3 इधर आ गया,
इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स, 25 माइनस 3 बाय 2 कितना होता है 11 होता है। अच्छा किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट अगर 11 होगा इसका मतलब वो नंबर कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 11 टू 12, वेरी गुड, gx should belong to 11 से 12, gx should belong to what 11 से 12। अच्छा gx क्या था हमारा, x square plus 7 था, मतलब x square plus 7 should belong to 11 से 12, सॉरी 12 पे ओपन है, 7 को उधर लेके चले जाओ, x square should belong to 4 से 5। अच्छा x स्क्वायर अगर 4 से 5 है तो x क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5 टू माइनस 2 यूनियन 2 रूट 5, ठीक है। सुलेखा और तरुण तुम लोग ने जो आंसर दिया उसमें तुमने इसका वो लिया ही नहीं कि ये जीआईएफ है, तुमने एक नॉर्मल ब्रैकेट ले लिया, समझ में आया, तुम लोग ने क्या किया कि जी एक्स इज इक्वल टू 11 ले लिया एक तरीके से, जबकि यहाँ पे जी आई एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। यस सर, आगे बढ़े अपने, यस। सो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x इफ x इज लेस देन माइनस 1 एंड gif ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये जी आई एफ है, ये कौन सा ब्रैकेट है, जी आई एफ का ब्रैकेट है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ माइनस 3.3 इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके सो चल करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, एफ ऑफ माइनस 3.3 निकालें, तो एफ को इनपुट क्या मिल रहा है, माइनस 3.3 मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा डेफिनेशन यूज होना चाहिए, ये वाला डेफिनेशन यूज होना चाहिए। तो एफ ऑफ माइनस 3.3 दैट विल बी 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3.3 जो कि क्या होता है 4.3। अब यही जो है एफ को एज एन इनपुट मिल रहा है, एफ का इनपुट क्या हो गया 4.3। अच्छा अब इनपुट अगर 4.3 है मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन यूज होना चाहिए, तो जी आई एफ ऑफ 4.3 जो कि, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू
सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है कि पॉप इज आइडेंटिकली सेम एज बॉप फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन फाइंड सी एंड डी, देन फाइंड व्हाट सी एंड डी। वन एंड टू यस प्रतीक्षा, सी वन होगा एंड डी कैन कैन नॉट बी डिफाइंड, नहीं डी कैन बी एनी रियल नंबर सर, मतलब निकाल नहीं सकते बेसिकली। हाँ मतलब डी कोई भी लो चलेगा, ऐसा कहने का मतलब। देखो फॉग इज इक्वल टू गॉफ का क्या मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स प्लस टू इज आइडेंटिकली सेम एज जी ऑफ एफ एक्स, सी एफ एक्स प्लस डी। तो जी एक्स को हम लोग क्या लिखते बताओ, सी एक्स प्लस डी प्लस टू इज आइडेंटिकली सेम एज सी टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस डी, डी और डी कैंसिल हो जाते। तो यहां से क्या बन जाता है, सी एक्स प्लस टू इज आइडेंटिकली सेम है सी एक्स प्लस टू सी। अब देखो अगर आइडेंटिटी साइड और राइट साइड के सारे टर्म्स सेम होते हैं एग्जैक्टली सेम, तो सी एक्स और सी एक्स तो सेम है, मतलब टू सी इज इक्वल टू टू, सी की वैल्यू वन हो गई। अच्छा सी की वैल्यू वन हो गई, डी क्या होगा, डी कैन बी एनी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। क्यों, क्योंकि तुम डी कुछ भी पुट करते, चाहे यहाँ पुट करते चाहे यहाँ पुट करते, वो कैंसिल हो रहे होते, तो डी कुछ भी ले सकते हैं। ओके इतनी बात क्लियर बच्चों। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कंपोजिट फंक्शन हमारा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिकल फंक्शंस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। सो टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेट टू बी आइडेंटिकल इफ both have same domain both have same range but तीसरा point their functional expression are same
और कैन बी रिड्यूस्ड टू सेम और कैन बी रिड्यूस्ड टू सेम. ठीक है. सो इन तीनों पॉइंट्स से एक ही बात सामने आती है कि बोथ फंक्शंस शुड हैव सेम ग्राफ. दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली क्या हो, आइडेंटिकल हो एक दूसरे जैसे. ठीक है. सो क्विकली इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो तुमको बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि आइडेंटिफाई वेदर पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट, आर आइडेंटिकल और नॉट. ठीक है. तो पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू टू एल एन एक्स. ठीक है. तो फटाफट बताते जाओ. यस सर. आइडेंटिकल है कि नहीं है? सर एक सेकंड के लिए थर्ड पॉइंट दिखाएंगे. सर आइडेंटिकल नहीं है. नहीं है सर आइडेंटिकल. सर डोमेन दोनों का डिफरेंट है. हाँ यस. देखो एल एन एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता? ऑल रियल नंबर्स. ऑल रियल नंबर्स. हाँ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. इसका डोमेन जो है वो होता है एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. सब लोग अग्री करेंगे. और इसका डोमेन क्या होता? एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है इसका डोमेन. समझ में आई बात? तो डोमेन ही डिफरेंट हो गए. सो नॉट आइडेंटिकल. डोमेन ही डिफरेंट हो गए तो नॉट आइडेंटिकल. ठीक है. अगर मैं इनके ग्राफ की बात करता, इफ आई टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, तो पता है एफ एक्स का ग्राफ एक इवन फंक्शन का ग्राफ होता. तो एफ एक्स का ग्राफ हमारा पता है कैसे जा रहा होता? ऐसे और ऐसे जा रहा होता. ये एफ एक्स का होता. और जी एक्स का पता है कौन सा होता? बस इतना पार्ट होता जी एक्स का. जी एक्स का इतना पार्ट होता. सो ये दोनों जो है एफ एक्स के होते और जी एक्स का केवल यही होता. समझे? समझ में. सो थोड़े ऐसे ही ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू sec square x minus 10 square x and gx is equal to sin square x plus cos square x. बोलो भाई लोग. Yes या no? No sir. सब लोग आंसर लो. चैट बॉक्स, चैट बॉक्स. नहीं होगा. नो नॉट आइडेंटिकल. किस वजह से आइडेंटिकल नहीं है? डोमेन अलग है. डोमेन 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 ही अलग हो गया. और सेकंड सर वैल्यू नहीं लेता. हाँ जैसे रियल नंबर एक्सेप्ट टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये उसका होता है. किसका होता है? सेक और टेन वाले का. और इसका क्या होता है? एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर. ठीक है. तो अगर अगर मैं इनके ग्राफ के बारे में देखना चाहूँ, जैसे मान लो मैं अगर एफ एक्स का ग्राफ देखना चाहता ना, तो अगर मैं क्विकली ग्राफ बनाता तो कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होता है? फाइव बाय टू, थ्री फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू, माइनस थ्री फाइव बाय टू. तो अच्छा इनके अलावा जहां पे हो रहा होता वहां पे क्या हो रहा होता? वन ही हो रहा होता.
यस सर। इसका ग्राफ पता है कुछ ऐसा बनता, ऐसे टाइप का ग्राफ बनता कुछ ये। अच्छा अगर मैं जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा होता तो जी एक्स का ग्राफ कैसा बनता? फुल स्ट्रेट लाइन होती, ब्रेक नहीं करती, तो दोनों का ग्राफ डिफरेंट तो है ही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल? नहीं है सर। नहीं है क्योंकि साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर। अच्छा कोसेक एक्स खुद क्या कहता है कि मैं एन पाई पे डिफाइंड नहीं होता, तो कोसेक एक्स का रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, तो डोमेन डिफरेंट हो गया, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? नॉट आइडेंटिकल, बोथ ऑफ देम विल बी नॉट आइडेंटिकल। अच्छा डी अगर मैं लिखूं एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, सर 1 बाय कोसेक एक्स के ग्राफ में सिर्फ एन पाई वालों पे होलो सर्कल मार देंगे ना साइन एक्स के? हाँ साइन एक्स के ग्राफ, मतलब 1 बाय कोसेक एक्स का जो ग्राफ होता वो बस साइन एक्स का ही ग्राफ होता, बस यहाँ पे हॉलो सर्कल बना देते ऐसे टाइप, सही आइडेंटिकल, ठीक है। ये डी वाला देखो भाई, आइडेंटिकल, ये लोग आइडेंटिकल है। हाँ देखो इसका भी डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई होता और इसका भी डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई होता। अच्छा तुम सोचो कि डोमेन अगर सेम है और एक्सप्रेशन भी सेम रिड्यूस हो जा रहा है तो रेंज भी तो सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। तो ये लोग आइडेंटिकल होंगे, दे विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। ई वाला पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 टू द पावर 1/4, नहीं है सर आइडेंटिकल नहीं है, डोमेन अलग है क्या दोनों का? नहीं सर, किस वजह से आइडेंटिकल नहीं है? सर क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे फर्स्ट वाले में तो मतलब उसका नेगेटिव आउटपुट आ सकता है, इसमें सेकंड वाले जी ऑफ एक्स में नेगेटिव आउटपुट है। ओके सर, पावर फ्रैक्शन है तो फिर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना? देखो एक तो जैसे किसी चीज का जैसे क्यूब रूट लेते हैं या फिफ्थ रूट लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब का क्यूब रूट लूंगा तो क्या बनेगा? एक्स बनेगा, लेकिन एक्स रेस टू 4 का फोर्थ रूट लूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होता था? मॉड एक्स होता था। ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस टू 4 ये भी क्या होगा बच्चों? मॉड एक्स होगा, ये मॉड एक्स हो जाएगा, समझ में आई बात? तो यहाँ पे तो क्या हुआ, फंक्शनल एक्सप्रेशन ही डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों का जो फंक्शनल एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? फंक्शनल एक्सप्रेशन डिफरेंट हो गया तो सवाल ही नहीं उठता। सर डोमेन भी तो डिफरेंट है, डोमेन सेम है बेटा, डोमेन दोनों जगह माइनस एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले सकते हो ना? पर पावर फ्रैक्शन है ना तो अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पावर फ्रैक्शन देखो ऐसा नहीं है क्या, तुमने कभी -8 का क्यूब रूट नहीं निकाला क्या? वो होता है -2 होता है,
तो पावर फ्रैक्शन में है, पावर कैसे फ्रैक्शन में हो तब जब पॉजिटिव हो, जब यहाँ पे वन बाय इवन टाइप की चीज हो रही हो तब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अंदर पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पे अगर वन बाय ऑड टाइप की चीज है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सेप्टेबल है, जी सर, ठीक है। दोनों के डोमेन जो है, इस केस में दोनों के डोमेन तो काम कर जा रहे थे, बोथ ऑफ देम आर हैविंग डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट दोनों का फंक्शनल एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये ई पार्ट था, से एफ पार्ट अगर हम लोग लिखें, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस टू, नॉट आइडेंटिकल रीजन डोमेन दोनों के अलग अलग डोमेन आ रहे हैं, दोनों के डोमेन अलग अलग होते हैं, डोमेन इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। जैसे इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ पाती और वेवी नेगेटिव वैल्यूज, हां सर वेवी कर्व वाला आ जाएगा, ये डोमेन आ जाता जो मैंने एरो बनाया, और इसका डोमेन निकालने के लिए इंटरसेक्शन लेना पड़ता, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका डोमेन ये होता और इसका डोमेन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आता ना, खाली ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 2 आता क्योंकि इक्वल टू पे तो सर दूसरे में, तो समझ में आया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं, जैसे मान लो आइडेंटिकल फंक्शंस रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइडेंटिकल, और चार ऑप्शंस दे देंगे, तो तुमको हर ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। So, this was all about identical functions. अच्छा एक और चीज, एक और क्वेश्चन, बस एक और जी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बताओ सर, नॉट आइडेंटिकल सर, ये इवैल्यूएट करने के बाद भी थोड़ा अजीब हो जाएंगे, डोमेन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या डोमेन डोमेन अलग, देखो डोमेन अलग है, जैसे तुम ऐसे सोचो कि मैं एक्स को क्या क्या इनपुट दे सकता था साइन के अंदर, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, साइन आउटपुट क्या देता, माइनस वन से वन, और साइन इनवर्स उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लिया होता, इसका डोमेन क्या होता, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, अच्छा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, माइनस वन से वन, अब साइन इनवर्स जो भी आउटपुट देता साइन तो सबको एक्सेप्ट कर लेता है, इसका डोमेन क्या होता, माइनस वन से वन, तो देखो दोनों का डोमेन ही अलग अलग है, तो दोज आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। और हम लोग अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे कि जैसे इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसे टाइप का होता है,
ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे टाइप का, ठीक है। सो अब तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क फॉर यू ऑल इज जो अरिहंत वाली बुक है उसमें सेशन 8, 9 and 10, ठीक है, ये तीन सेशंस करने हैं। सेशन सॉरी सेशन 8 जो है वो दैट इज ऑन 1, 1, many 1, on 2 वो वाला है सेशन 8। सेशन 9 जो है वो आइडेंटिकल फंक्शंस के ऊपर है और सेशन 10 जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर है। ठीक है, सो अभी जो तुम लोग का एग्जाम चल रहा होगा तो बाय संडे कंप्लीट कर लो। ठीक है, तीनों सेशंस मिला के मंडे कर दे क्या, संडे को भी टेस्ट है। मंडे को टेस्ट है क्या? हाँ सर। संडे को टेस्ट है। हाँ ठीक है, फिर मंडे। सर ये वीक वाला मतलब नेक्स्ट वीक वाला मंडे है, नेक्स्ट नेक्स्ट? अरे नहीं भाई, 5 दिन बाद। अच्छा वो वाला, हाँ फिर संडे चलेगा। चलो ठीक है, अब लिख दिया मंडे। वैसे संडे को मेरे ख्याल से नहीं, तुम लोग का जो सीए है उसकी डेट चेंज हो गई है ना, 13th and 14th हो गई है। नहीं सर, एक स्ट्रेट लाइंस का भी टेस्ट होगा उससे पहले संडे को, जैसे ही फ्राइडे को पेपर खत्म और उसके बाद संडे को टेस्ट रहेगा। चलो ठीक है, ओके सो बस करते हैं आज के लिए। थैंक यू सर। Goodbye. Thank you.